हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज दैट अ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड इवेंट कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर मूड एंड हाउ वी सी द वर्ल्ड। ये लाइन का मतलब ये होता है कि डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, इसमें एक मेन आइडिया है पोएम में, और ये आइडिया ये है कि एक छोटा सा और अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब जो कार्य हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया होता है, उस चीज़ को हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट कहते हैं। और ये दो चीज़ हमारे मूड में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है, और साथ ही साथ हम दुनिया को किस तरीके से देख सकते हैं इस चीज़ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। The poem shows how a crow soaking off snow onto the speaker changes their mood from feeling down to feeling uplifted. So, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जब क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को स्पीकर के ऊपर गिराते हैं, तो ये डस्ट ऑफ स्नो स्पीकर के ऊपर गिरते हैं, तो उस समय पोएट का मूड फीलिंग डाउन, मतलब जब वो स्पीकर जो था बहुत ही बैड फील कर रहा था, और उसका फीलिंग चेंज होकर एक अपलिफ्टेड अच्छा फील करने लगते हैं जब वो बर्फ़ स्पीकर के ऊपर गिरते हैं। इट रिमाइंड्स अस दैट इवन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ कैन ब्रिंग अस जॉय एंड चेंज आवर पर्सपेक्टिव। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि हमारी लाइफ में एक छोटा सा छोटा चीज़ भी हमें खुशी दिलवा सकता है, और साथ ही साथ हमारे एक देखने की नज़रिया को भी चेंज कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं जिसे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।